ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के 9 दिनों के अलावा माता की कृपा आपको नहीं मिलेगी। महादेव सिर्फ सावन के महीने में अपना आशीष बरसाते हैं और गणेश जी 10 दिन के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही तो होता है। जब भी कोई त्योहार आता है हम फटाफट अपनी आदतें चेंज कर लेते हैं, ये सोचकर कि इस वक्त डायरेक्ट भगवान हमें देख रहे हैं और हम बस वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है और हमारी लाइफ बदल जाएगी, उनकी कृपा हमें मिल जाएगी। लेकिन क्या हमारी जिंदगी सिर्फ कुछ दिनों के फैसलों से बदल सकती है? फैसले जो अक्सर हम तब लेते हैं जब कोई त्योहार आता है, खासतौर से नवरात्रि में तो लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, बाहर का खाना छोड़ देते हैं और पूजा पाठ में लग जाते हैं। पर क्या सिर्फ 9 दिन ही हमें माँ की कृपा मिलती है और हमारी जिंदगी की दिशा तय हो सकती है? ये उलझा हुआ सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है, जो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही आज से आपकी एक आदत भी बदल जाएगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर, मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं और खुद को एक्सप्लोर करते हैं। आज की कहानी है अंकित की, जो एक धार्मिक परिवार में जन्मा था लेकिन आधुनिक संगति और कल्चर का शिकार भी था। दोस्तों के बीच स्टेटस बना रहे इसलिए नॉनवेज भी खाता था और जंक फूड भी, लेकिन नवरात्रि आते ही अपनी सारी आदतों को बदल देता। इस बार तो माता की पूजा के सभी नियमों का उसने पालन किया और मन से प्रार्थना की कि माँ इस बार मेरा एग्जाम जरूर क्लियर करा देना। 9 दिन बीत गए, अंकित का एग्जाम भी हो गया और वो वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। जल्दी ही उसके एग्जाम का रिजल्ट आया लेकिन इस बार भी वो पास नहीं हुआ। इस बार अंकित बहुत हताश था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने नवरात्रि पर माता की बहुत सेवा की थी, इस बार तो उसे पास होना ही था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था। तब उसकी दादी ने उसके मन के भाव को समझते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अंकित झल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं, आप तो कहती हो कि माता का पूजन करो तो वो सबकी पुकार सुनती है, नॉनवेज खाना छोड़ दो तो वो जो मांगोगे वो देंगी। पूरे 9 दिन मैंने उनकी पूजा की फिर भी मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। दादी मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटे जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं और उन प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ नियम और अनुशासन को अपनाना पड़ता है, डिसिप्लिन। अंकित ने दादी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए और मैं सफल हो सकूं? दादी बोली, बेटे अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए सुधारने का निर्णय लो। हमारा भोजन ना केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है, इससे हमारे विचार बदलते हैं और हमारे विचार हमें सही और गलत का निर्णय देने में सक्षम बनाते हैं, जिससे हमारी सफलता के रास्ते आसान होते हैं। माता रानी के ये 9 दिन हो या फिर कोई भी त्योहार, हमें यही सीख देने के लिए बने हैं बेटे। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो या जीवन भर के लिए, क्योंकि जितना जल्दी तुम ये करोगे उतनी जल्दी ईश्वर की कृपा को महसूस कर पाओगे। अंकित के दादाजी भी ये सब सुन रहे थे, बोलते हैं, बेटे महात्मा गांधी कहते थे कि शुद्ध भोजन से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, और ये बात सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए लागू होती है। गांधी जी की सोच और उनके फैसले ने ना केवल उनके जीवन को बदला था बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरित भी किया था। अब जरा सोचो, विराट कोहली जो तुम्हारा सबसे फेवरेट क्रिकेटर है, जिसने अपने करियर की सबसे ऊंची ऊंचाइयां तब छुई जब उसने शाकाहार को अपनाया, और सिर्फ विराट ही क्यों, बिल गेट्स को देखो जो शाकाहार के समर्थक हैं, जैकी चैन, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी शाकाहार को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अपनी सफलता का एक बड़ा कारण इसे बताया। लेकिन तुम्हारे सामने सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए शाकाहारी बने? नहीं, ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा था और यही फर्क लाता है। अंकित ने उसी दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला लिया और उसने नवरात्रि के 9 दिनों में जो संकल्प शुरू किया था हमेशा के लिए अपनी आदत में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उसने नॉनवेज छोड़ दिया और अपने खाने की आदतों को सुधारा। उसने देखा उसका मन शांत और उसकी सोच में स्पष्टता आने लगी थी और उसके बदलते हुए विचारों ने उसे एक बेहद सफल इंसान बनाया।
ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब WHO हो या फिर वैज्ञानिक रिसर्च, ये सब कहती है कि शाकाहार और प्लांट बेस्ड डाइट ना केवल शरीर के लिए अच्छा है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी बेहद जरूरी है। फिर किसी जीव की हत्या करके नॉनवेज खाना क्यों जरूरी है? तो फिलहाल आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, साल के कुछ खास दिनों में बदलाव लाना और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाना। दूसरा, इन खास दिनों को एक नई शुरुआत मानकर हमेशा के लिए अपने जीवन में सुधार लाना। याद रखिए, असली बदलाव तभी आता है जब कंटिन्यू दृढ़ संकल्प के साथ आप अपनी जिंदगी की आदतों को बदलते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो सिर्फ 9 दिनों के लिए ही क्यों, क्यों ना इसे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आदि शक्ति का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप अपने आंतरिक मन को, अपनी शक्ति को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाइए। और ये कहानी अगर पसंद आई है तो एक कदम बढ़ाइए इसको शेयर करने में, लाइक करने में, और बताइए आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। खुद को एक्सप्लोर करने के लिए और एक और वीडियो में मुझसे मुलाकात करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेल आइकन के बटन को टैप कीजिए। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। लव योरसेल्फ। राधे राधे।